नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश ऑनलाइन में। जीवन का अंत मौत है। प्रकृति का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर इस उम्मीद के साथ कार्य करते हैं कि जब तक जिंदगी है तो कुछ औरों के लिए किया जाए। पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट के देहपुर गांव में रहने वाले करम सिंह ने आम जन की सेवा करने का बेड़ा उठाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। असल में करम सिंह को पर्यावरण से बेहद प्रेम है। दाह संस्कार में हजारों क्विंटल लकड़ी जलते देखकर उनको लगता था क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे दाह संस्कार की अंतिम प्रक्रिया आसानी से भी हो जाए और इसके लिए पेड़ों को भी ना काटा जाए। करम सिंह ने एक ऐसी मशीन बना डाली जिसको देखकर हर कोई उनकी सराहना कर रहा था। चलिए जरा सुन लेते हैं कि आखिर इस नई पहल से कितना असर पड़ेगा। नाम किया जी? मेरा नाम करम सिंह है जी। अच्छा, तुसी मैंने दसना जिहड़ा ये तुसी सिस्टम बना रहे हैं संस्कार दा, ये दूसरे ट्रेडिशन वाला जिहड़ा पुराना उच्च की फर्क की है? उहदे विच फर्क है जी, सब तो पहला फर्क तो है कि बालन है जिहड़ा उहदे विच उह काफ़ी लगता है। तो ये बालन सिर्फ 80 किलो बालन लगता है, 70-80 किलो। तो यह बहुत वड्डा फायदा है इसका। दूसरा जो सब तो मेन है, जिन्हें भी शमशान घाट पिंडां दे विच बाहरले पासे हुंदे जिथे कि फसल हुंदी है साइडां ते, तां आम जो ही संस्कार करते हैं तो वो कुछ भी थोड़ी बहुत अग जी उड़ के पतंगा उड़ के उसे जावरदा तो बहुत नुकसान हुंदा उसे। तो ये है जी, सारे पासों गेट बंद है, बारियां बंद है, तो यदि अग है जी ही रहनी है, चाहे मीह आवे नेरी आवे, असी किसी भी समय के योजी भी हालातों के असी ये संस्कार है जोड़ा वो सही ढंग कर सकते हैं। तुम क्या लकड़ी बहुत कट ली, एनवायरमेंट में कि फर्क पैदा इन्ना? बहुत ज़्यादा पैदा जी। अज थोन पता भी बहुत ज़्यादा दरख्त कट्टे गए हैं जिदे कारण अच्छ बहुत गर्मी है, होर भी बड़े नुकसान हो रहे हैं। तो जदों जिते चार पांच क्विंटल के करीब लकड़ लगनी है तो उत्थे 80 किलो लकड़ ना सरदा है, तो वह एक आम बंदे लई भी बहुत बड़ी राहत भरी गल है ये कि 80 किलो जिहड़ा बालन आ वह हर एक बंदा इन्हें प्रबंध कर सकता है। तो इसलिए भी इसका बहुत फायदा है। ये बालन घट क्यों लगता है, की कारण की है? इहदा कारण है जी, एक चैंबर बन जाता है, ये पासों हवा नहीं पैनी गी, तो जो जो कुछ टाइम के बाद उस लक्कड़ है वह लक्कड़ के कोले बन जाएगी, तो एक अंगीठी टाइप चीज़ बन जाती है। जिहड़ी हवा है ये वेदी जो क्रॉस करती है, गर्म हवा जिहड़ी उपर निकल जाती चिमनी में, उपर चिमनी है जी, तो हेठले पासों जो वो हवा जी सर्कल बनता है तो वह अंगारे बन जाते हैं, वो अंदर चैंबर के हीट बहुत टाइम रही है जी, तो वह हीट के संस्कार सारा सही होता है। इस हाईटेक मशीन को एक चेंबर नुमा केस में रखा जाता है। इससे फायदा ये होगा कि एक तो लकड़ी कम लगेगी, साथ ही दाह संस्कार के बाद हर किसी को अपने परिजनों की अस्थियों के लिए एक विशेष जगह दी जाती है। असल में इस मशीन को पर्यावरण के हिसाब से डिजाइन किया गया है। नाम से प्रदीप सिंह निजर, पेंटी पर अड्डा कठार, थाना आदमपुर। अच्छा, मैंने दस तुम आइडिया कितों आया, फिर तुम एक चीज़ चंकी लगी? यूट्यूब से देखी थी है, तां के सानू ये आइडिया आया, इतने पेंड वाले इंग्लैंड के बिचों, तो तार के पेंड वाले ने गलबात की, सारे पेंड ने संजोग दिता, साढ़े चाचा जी हुणी हौसला दिता, तार के ये काम शुरू होया। धन्यवाद करते उन्होंने जिन्हें आके बनाया छूट नोटिस उन्हें बहुत हेल्प की साड़ी, पेंड वाले सारे संजोग, तो सारे का थैंक यू। देश भर में दाह संस्कार के लिए अब तक कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए दाह संस्कार किया जाता है, पर असल में लोग ये मानते हैं कि इंसान की अंतिम प्रक्रिया धार्मिक क्रियाओं के हिसाब से हो, और ऐसे में ये मशीन इस हिसाब से नायाब भी है और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण भी। पानी अपना ही।